सद्दसार विपस्सना। बहुत सारे जो भारत में नए युवक या युवतियां हैं या पुराने भी जो लोग हैं जिन्होंने कभी विपस्सना का नाम नहीं सुना या जो पाली को नहीं जानते, वो इसको विपस्सना बोलते हैं। जब भी आप बात करें, क्योंकि अब ये विपस्सना बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और इस साल उसके 50 साल पूरे होने वाले हैं भारत में दोबारा से आगमन के। लगभग ये 69 में आई थी और 50 साल इसके हो जाएंगे। बहुत बड़ा जलसा इसका मुंबई के अंदर हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, आप विपस्सना की साइट पे देख सकते हैं, vipassana.org बाई SM गोयनका। तो बहुत जितने भी लोग हैं जब उसको विपस्सना सुनते हैं या कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो वो बोलते हैं विपस्सना, क्योंकि विपस्सना वसु जो एक फिल्मी हीरोइन है उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए लोग समझते हैं कि ये उसी तरह से उपासना या विपस्सना होगा। मगर ये उपासना विपस्सना नहीं है, बेसिकली ये है विपस्सना। ये विपस्सना भी नहीं है क्योंकि शै वर्ड पाली में नहीं होता, तो ये विपस्सना है। पस्सना यानी पस्सति जो होता है, पस्सति माने होता है देखना यानी देखता है। पस्सति अगर हम कहते हैं, पस्सति का मतलब है देखता है। और अगर देखने के भी परे देखे यानी देखने से भी आगे देखे यानी देखने के बाद देखे, कैसे? जैसे हम कहते हैं कि और काल भोजन, काल भोजन वो होता है जो समय पे खाया जाता है। जैसे 12 बजे का खाना है तो उसको बोलेंगे काल भोजन, और अगर इसको लगा दें तो अकाल भोजन हो गया, यानी 12 बजे के बाद का समय हो गया, नियम से परे हो गया, तो कुछ हटके हो गया, अलग हो गया। ऐसे ही जब पस्सना में विपस्सना लगा देते हैं, वी लगा देते हैं, तो देखने से भी आगे देखना। अब देखने से भी आगे देखना ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि विपस्सना जो लोग करते हैं जानते हैं, वो जानते हैं कि देखने से भी आगे देखना कैसे होता है। मगर जब मैं विपस्सना के बारे में आपको फुल बताऊंगा और अगली वीडियो में जब विपस्सना की डिटेल के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको इसकी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि देखने से भी परे देखना क्या होता है। फिलहाल आप इसका इतना ही अर्थ समझें कि विपस्सना का मतलब होता है कि अच्छी प्रकार से देखना या देखने के परे भी देखना। धन्यवाद।